नारायण सेवा समिति रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ स्थानीय विधायक और खेल एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद हुए। और इस संस्था ने आयोजन में 800 पुरुष और महिलाओं को कृत्रिम अंग का निःशुल्क वितरण किया। दरअसल रायपुर के दादाबाड़ी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन में संस्था के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से उन्हें हर भूमि उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया है। साथ ही संस्था के अध्यक्ष के निवेदन को स्वीकारते हुए सीएम ने अपने व्याख्यान में कहा कि नारायण संस्था बहुत बड़ा कार्य कर रही है। इस संस्था के द्वारा किए गए ट्रेंड और कृत्रिम अंग विकलांग जनों को उनकी योग्यता अनुसार छत्तीसगढ़ शासन की ओर से हर तरह की मदद भी दी जाएगी। देखिए, नारायण सेवा संस्थान द्वारा रायपुर में नारायण लिम्ब एवं कैलिपर वितरण शिविर था, जिस शिविर में लगभग 800 लोगों को, दिव्यांग भाई बहनों को, नारायण लिम्ब और कैलिपर प्रदान किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य पूरे विश्व में जहां भी दुखी, दर्दी, दीनहीन, असहाय लोग किसी भी प्रकार की व्यथा से व्यथित हैं, उनकी मदद करना। मन में रहे भाव, सेवा बने स्वभाव। तो यहाँ जब हम लिम्स लेके आए हैं, 2 महीने पहले हमने यहाँ शिविर किया, मेजरमेंट लिए, और आज 2 महीने बाद हम लिम्स लेके आए हैं। हमारे वर्कशॉप में प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियर और टेक्नीशियंस ने वो लिम्स बनाए हैं। और छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार की भाटापारा में आदिवासी गोंड समाज के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सांस्कृतिक भवन और लोकार्पण रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह का आयोजन हुआ। सीएम साय कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मावली महासभा सिंगारपुर अध्यक्ष बंशीलाल नेताम ने की। इसके साथ ही कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। हमारे आदिवासी समाज के बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रही से आजादी के लड़ाई में हमारे आदिवासी समाज के बहुत बड़ा योगदान रही से महारानी दुर्गावती जेकर अभी बलिदान दिवस 24 तारीख के रही से मैं अंबिकापुर में मैं वहां गए रहो बलिदान दिवस मनाए बर। और आज अमर पूर्व वक्ता मन भी बताई नहीं गढ़मंडला के महारानी दुर्गावती बहुत ही साहसी न्यायप्रिय रानी रहीन महारानी रहीन। और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में